आजकल डेयरी फार्मिंग और पशुपालन में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही युवा पीढ़ी की कृषि के क्षेत्र में करियर बनाने में काफी रुचि बढ़ती जा रही है। इसी का एग्जाम्पल है कोटा का। जी हाँ, कोटा की एक युवती है जो मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट होने के साथ पशुपालन कर रही है। इस युवती का नाम मीतू गुर्जर है, जो कि 12 साल से पशुपालन और डेयरी फार्मिंग का कारोबार संभाल रही है। मीतू आज के वक्त में अपने जिले की हर युवतियों और महिलाओं के लिए एक मिसाल बनकर उभर रही है। वही पशुपालन कर मीतू अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रही है। मीतू ने ग्रेजुएशन की है। पिछले 12 साल की उम्र से अपनी मेहनत और जज्बे के बलबूते आज वो एक सफल महिला उद्यमी बनकर मिसाल पेश कर रही है। मीतू ने बताया कि 12 साल में बड़ी बहन की शादी हो गई थी, भाई छोटा था, पिता अकेले ही सारा पशुपालन और डेयरी फार्मिंग का काम करते थे। तब से पिता का हाथ बटाने लगी थी और धीरे धीरे पशुपालन डेयरी फार्मिंग का सारा काम सीख गई। गाय भैंसों की देखरेख करना, समय समय पर पशुओं को चारा देना, दूध निकालना और दूध देकर आना, ये सब काम मीतू अकेले करती है। अब तो भाई भी बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी मीतू गाय भैंसों को देखना और दूध सप्लाई करने का काम नियमित कर रही है। मीतू शहर में बाइक से दूध सप्लाई करती है। आपको बता दें, मीतू गाय का दूध 50 और भैंस का दूध 60 रुपए किलो के करीब बेचती है, जिससे उसे लाखों का मुनाफा भी हो जाता है। और मुझे 22-23 साल हो गए ये दूध का करते हुए। छोटी सी उम्र से मैं अपने पिताजी, मेरे पिताजी करते थे, सिस्टर भी करती थी, फिर मैंने अपने अकॉर्डिंग मैंने संभाल लिया। ब्रदर छोटा था तो तब से मैं कर रही हूँ। हम 4 बहन भाई हैं, अपने पास 4-5 भैंस है और 15 करीबन गाय है, और 150 लीटर दूध दोनों टाइम का सप्लाई हो जाता है। हाँ, पूरा परिवार इसी से ही निर्भर है कि पशुपालन डेयरी पालन जो भी है हम इसी पे करते हैं। दोनों बहन भाई हम लोग, सिस्टर शादी करके जा चुकी है, तो दोनों बहन भाई हम इसी में लगे हुए हैं।